नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम दत्ता, आप देख रहे हैं सिंपल टेक्निक चैनल। आपके हमारे सिंपल टेक्निक चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, यहाँ बहुत के लोगों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लेने से यहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है। बहुत से लोगों को ये कहना है कि कोरोना वैक्सीन लेने से इंसान की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जा रही है, वो हॉस्पिटलाइज हो रहा है। तो मैं आज इन टॉपिक के बारे में बात करने वाला, आज यहाँ पर कुछ भी टेक्निकल बातें नहीं हुई, आज मैं कुछ कोरोना की वैक्सीन को लेकर बात बताने वाला हूँ। वीडियो को नहीं कीजिएगा स्किप, नई वीडियो को कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और कोरोना से कितने हुए डेथ ये भी मैं बताऊंगा आपको कि कोरोना वैक्सीन लेने से डेथ होती है या क्या होती है फ्रेंड्स। तो चैनल में अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपके सामने जल्द आते रहे फ्रेंड्स। चलिए वीडियो को, कोरोना वैक्सीन से हो रहे हैं डेथ, ये कहना है लोगों का सच है या गलत फ्रेंड्स? यहाँ तो मान लीजिए आप किसी भी बच्चे को पहला टीका दिलाते, कोई भी बच्चे को पहला टीका दिलाते हैं, पोलियो दिलाते हैं, तो क्या बच्चे को कभी भी बीमार नहीं होते? क्या वो बच्चे कभी भी बीमार नहीं होगा? अब मान लीजिए घर बना रहे, घर में सीमेंट में आप डॉक्टर फिक्सिट मिक्स कर रहे हैं, कुछ ऐसे मटेरियल यूज़ करें जिसमें उसकी ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ बढ़ जाए, क्या वो बिल्डिंग कभी नहीं गिरेगा फ्रेंड्स? नहीं फ्रेंड्स, बच्चे अगर पहला बार में टीका लेते हैं या पोलियो लेते हैं तो बच्चे को बीमार होंगे, बच्चे बार में, बट उसमें क्या होगा, उसका बूस्टिंग पावर तगड़ा हो जाएगा, उसको स्ट्रेंथ पावर उसकी तगड़ी हो जाएगी। वैसे ही सीमेंट में जैसे आप कुछ मिलाते हैं डॉक्टर फिक्सिट वगैरह, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ पावर, उसकी स्ट्रेंथ पावर मजबूत हो जाती है। और बच्चे को जैसे टीका वगैरह दिलाते हैं तो उसकी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होती है। तो वैसा ही यहाँ पर कोरोना वैक्सीन को लेके हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आप कोरोना के वैक्सीन लेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आप कोरोना के वैक्सीन लेने के बाद भी आपको हो सकता है कोरोना, बट इसमें यह है कि आपको ये वैक्सीन लेने के बाद आपको एक बूस्टिंग पावर मिलेगा, आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी इम्यूनिटी पावर लेवल बढ़ जाएगी और जिसमें आप कोरोना को फाइट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे होते हैं कि कोरोना वैक्सीन नहीं लेने के बाद जो हॉस्पिटलाइज हो रहे कोरोना के चलते और वो घर वापस नहीं आ पा रहे फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वैक्सीन को जरूर ले। वैक्सीन से आपका क्या फ़ायदा होगा मैं बताता हूँ आपको। वैक्सीन लेने से आपका ये होगा कि आपकी इम्यूनिटी पावर बेस्ट होगी, आप कोरोना अगर आपको हो भी जाए तो आप जल्दी से जल्द उसमें रिकवर कर सकते हैं, कोरोना से आप सुरक्षित हो सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर बहुत लोगों का कहना है कि कोरोना से तबीयत बिगड़ रही है। हाँ फ्रेंड्स, कोरोना के वैक्सीन लेने से तबीयत बिगड़ रही है फ्रेंड्स, बट कब? मान लीजिए आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, हेल्थ में प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको फीवर है, कफ है, या फिर आपकी बॉडी में कुछ भी अनफिट लेवल है, यहाँ पर इस टाइम अभी उस टाइप के लोगों को वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जो आपका मान लीजिए आप अभी फीवर पे हो, या फिर आपको सर्दी जुकाम है, या फिर आपको किसी तरह से अनफिट, या फिर आपको कमजोरी महसूस हो रहा है, या फिर हाँ फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर ही अगर किसी को मान लीजिए न्यू बॉर्न बेबी हुए या फिर कोई भी लेडी है, प्रेगनेंट लेडी हो, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका प्रिस्क्रिप्शन ऑलरेडी चल रहा होता है। तो वो प्रिस्क्रिप्शन के साथ वो भी आपका वैक्सीन सूट करेगा कि नहीं करेगा, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। मान लीजिए अब यहाँ पर मान लीजिए किसी पेशेंट को डेंगू की बीमारी हुई है या किसी को मलेरिया वगैरह, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता है और वो जाके वैक्सीन लेता हो, तो उसको इफेक्ट कर सकता है फ्रेंड्स, उसको वह हम पहुँचा सकता है, क्योंकि ये वैक्सीन है जिसमें आपको इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है, इम्यूनिटी पावर आपका स्ट्रॉन्ग करता है। उसमें क्या होता है, आपको मान लीजिए आपके शरीर में किसी भी टाइप का वैक्सीन पड़ा है जिसमें आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट करे और स्ट्रॉन्ग करे, तो उसमें आपको एक दिन का टेस्ट लेना होता है जिसमें आपका थोड़ा तबीयत बिगड़ जाता है और थोड़ी फीवर टाइप की लगती है, आपको शरीर गर्म गर्म लगता है, खाने का मन नहीं करता, इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है, बट वो इम्यूनिटी पावर बूस्टिंग की होती है। मान लीजिए आप ऐसे बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन में दवाएं आते हैं, रिबेटल वगैरह आते हैं, इस टाइप से दवाई से लेने के बाद भी देखिए आपके शरीर में थोड़े लेजी टाइप के लगते हैं, जिस दिन लीजिएगा उसके अगले दिन से, तो वो आपका इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए होता है। जिस तरह से आपका वैक्सीन देगा उसी तरह से आपका एक दिन रेस्ट लेना पड़ेगा, एक दिन आपको तबीयत बिगड़ेगी, एक से दो दिन, तीसरे दिन में आप फिट हो जाओगे फ्रेंड्स। बट आपका अगर पूरा शरीर पूरी अच्छी तरह से ठीक हो तो ही आप वैक्सीन लें, वरना अभी वैक्सीन का टाइम अभी सिलसिला रहेगा, अभी वैक्सीन वाले कहीं नहीं जा रहे हैं, बाद में आपको वैक्सीन ले लेने के बाद भी घर घर में आएगा आपका वैक्सीन लेने के लिए, रजिस्टर करने के लिए फ्रेंड्स। तो वैक्सीन अगर आपको किसी तरह से प्रॉब्लम है तो अगर वैक्सीन को अभी आप ना लें वरना आपका तबीयत बिगड़ सकता है फ्रेंड्स। और अगर अच्छे खासे आप ठीक हो तो आप जाके प्लीज़ वैक्सीन को ले लें, वैक्सीन से ही आप कोरोना से लड़ पाओगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतने, जय हिंद जय भारत।